दोस्तों तो आप ये देख सकते हैं कि ये रहा हमारा एम ए टेक्निकल इंस्टीट्यूट। रात का समय है, इस समय रात में 8 बज रहा होगा और आपको ये दिखाते हैं कि रात में यहाँ पे कैसा दिख रहा है। कुछ इस प्रकार से रात का ये नज़ारा है और ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो चलिए आपको अंदर तक दिखाते हैं कि कैसे क्या सिस्टम है। और ये देखिए सामने जो दिख रहा है ये हमारा बोर्ड का लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप आएंगे तो ये बाहर ही मिलेगा और हमेशा इस तरह से लगा हुआ। और यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि जो कोर्स वगैरह है इसकी पूरी डिटेल और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है। एम ए टेक्निकल इंस्टीट्यूट ये हमारा मोहम्मदाबाद गोहना महू में है, जो कि मऊ ज़िले में पड़ता है। और आप ये देख सकते हैं ऑफिस है, ऑफिस के लिए काउंटर लगा हुआ है हमारा। और ऑफिस के ठीक पीछे आप देख सकते हैं एक दीवार की तरह से हमारा ये जो बैनर है ये लगा हुआ है। और कुछ इस प्रकार से ऑफिस दिखता है हमारा बाहर से। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, अभी ऑफिस बन रही है मान के चलिए। अभी बहुत सी डेकोरेशन इसमें बाकियाँ हैं और अंदर आपको दिखाते हैं। तो अंदर जाने के लिए ये रास्ता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रूम हमारा ये बना हुआ है जहाँ की स्टोर रूम जिसको बोलते हैं। और ये सारी सामानें जो है वहाँ पे रखी जाती है, इन्वर्टर वगैरह हमारा इसी रूम में लगा हुआ है। और ये रहा सारा सिस्टम। अब इसके बाद आगे चलते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि यहाँ पे आप देखिए ये सारी की सारी सामानें लगी हुई है लाइन से। जितनी भी सामानें देख रहे हैं दोस्तों आप, लगी हुई है ना, स्टैंड लगा हुआ है, गेज रखा हुआ है, सब के सब बच्चों के प्रैक्टिकली के लिए यूज किया जाता है। सारा सिस्टम यहाँ प्रैक्टिकल रूम अगर ये कहा जाए तो ये हमारा प्रैक्टिकल रूम है। और यहाँ पर आपको सारी व्यवस्थाएँ मिलती है जो कि छोटी से बड़ी हर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल के लिए उपलब्ध है। और यहाँ पे सब सामानें उपलब्ध रखी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर टांगा गया है और आरओ लगा हुआ है, देख रहे हैं दो आरओ है। और आपको ये दिखाएं कि ये हमारे पास एक डबल डोर फ्रिज देख सकते हैं कि रखी गई है, सैमसंग की फ्रिज है, बिल्कुल नई। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल ये फ्रिज नई है। और ठीक इसी फ्रिज के बगल में आप ये देख सकते हैं कि आपको फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो होती है, यानी कि फ्रंट लोडेड, ये फ्रंट लोडेड है, ये एलजी कंपनी की रखी गई है। और आप देख सकते हैं कि ये सामने से इसका गेट खुलता है, कुछ इस प्रकार से है। हर एक सामान के लिए आपको बारीकी से सिखाया जाता है कि विंडो एसी रखी गई है। और उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे कि आपको स्प्लिट एसी का इंडोर और आउटडोर दोनों रखा गया है। और ये साथ में इवापरेटर यानी कूलिंग कॉयल जिसको बोलते हैं वो रखी गई है। और इधर भी देखेंगे आप तो एसियां, यानी सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकल के लिए रखी गई है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी गई है, जस्ट उसके बगल में फ्रिज है और उसके बगल में भी फ्रिज है। ऐसे तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इधर डिफ्रीजर वगैरह रखा गया है, वॉशिंग मशीन रखी गई है, ये रही इन्वर्टर फ्रिज है, रूम कूलर, मतलब सारी की सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है दोस्तों। और ये ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ काम सिखाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये हमारा क्लासरूम है जहाँ पे बच्चे बैठ के ट्रेनिंग लेते हैं। और कुछ इस प्रकार से यहाँ का क्लासरूम हमारा है, आप देख सकते हैं। ये आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बात थी, 18वां स्वतंत्रता दिवस पे आज ये थोड़ा सा लगा हुआ था, सारी चीज़ें गुब्बारा वगैरह आप जो देख रहे हैं। और ये सब कुछ सिस्टम है। कोर्स करना चाहते हैं, ट्रेनिंग करने के लिए इच्छुक है तो नीचे दिए नंबर पे संपर्क करिए। और हमारे यहाँ में दोस्तों सीटें होती है ना, वो सीटें बिल्कुल सीमित होती हैं। हम 10 से 15 बच्चों को ही एक बार में ट्रेनिंग देते हैं, एक बैच में 10 से 15 बच्चे। अच्छा, बच्चे कम रखने का कारण यह है कि उनको आसानी से हाथ पकड़ के हम क्या कर सकते हैं, सारी चीजें सिखा सकते हैं। इसलिए दोस्तों बच्चों की संख्या हम सीमित रखते हैं। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो अभी अगस्त महीने के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी हमारे यहाँ 2 से 3 सीटें बाकी हैं, तो आप उसमें अगर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं दोस्तों। अब मिलते हैं।